तो जनता जनार्दन ओइकोस में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्या राव है और मैं आपका फिलहाल के लिए तो शिक्षक हूँ, इस वीडियो के लिए कम से कम। तो भैया, हम आज क्या देखने वाले हैं भाई? हम आज क्लास 8 का जो चैप्टर 8 है वो देखने वाले, नहीं चैप्टर 1 है वो देखने वाले हैं कक्षा 8 के लिए, जिसको बोलते हैं भूगोल। भू मतलब भूमि, गो मतलब गोल, मतलब गोला। जितने भी गोले हैं मतलब सूर्य से लेकर के मरकरी, जुपिटर, मार्स, मून है ना, पृथ्वी, सब देखने वाले हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे के बारे में जानेंगे। तो क्या इसमें हम चैप्टर 1 में सारे जानेंगे? नहीं, भूगोल में जानेंगे, चैप्टर 1 में नहीं जानेंगे। चैप्टर 1 में तो सिर्फ ये जानेंगे कि पृथ्वी पर मानवों के लिए और मानव कैसे एक इम्पोर्टेंट संसाधन है, रिसोर्स। तो क्या प्रभु, हम इसमें सूर्य के बारे में नहीं देखने वाले हैं? ना जी ना, बिल्कुल भी ना। ये सपना बिल्कुल बेकार है, जितनी औकात हो उतना सपना देखने का। बाबा अभी सूर्य पर नहीं जा रहे, पंख नहीं लगाया अपने में, है ना? हाँ, अभी हमारे पास सिर्फ संसाधन है। संसाधन चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, रिसोर्स। अच्छा, रिसोर्स क्या हो सकता है, संसाधन क्या क्या हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता है कि संसाधन क्या हो सकता है? पता है कि नहीं? किसको किसको पता है, हाथ उठाओ। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। नहीं उठाओ, हम नहीं उठाएंगे, हम घमंड में रहते हैं। आजकल तो किसी से बोलते भी नहीं है। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन, है ना? रिसोर्स का हिंदी किसी को मालूम? अभी 6 बार बोले, है ना? हाँ, रिसोर्स मतलब, बिल्कुल ठीक। हाँ, नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलो, इधर आओ। देखो यार, हम इसमें क्या देखने वाले हैं? क्या नोट्स पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। कंटेंट पढ़ने वाले हैं? क्या क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं? ना। यहाँ देखो, नीचे गोले में देखो, यहाँ सर्च बार में देखो, ओवरव्यू के नीचे सामने लिखा हुआ है कंटेंट। हम कंटेंट देखने वाले हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिंपल बात है, लिखा हुआ है कंटेंट है। ओके, सब्जेक्टिव भी नहीं करेंगे क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं, लिखा हुआ है ना। हाँ, ये लो, हो गया, गड़बड़ सकता है। ये तो इंडिया साइज एंड लोकेशन आ गया चैप्टर का नाम, लगता है ये बदलना भूल गया मैं, है ना? ये क्लास 9 का वैसे टॉपिक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिर उसका फिजिकल फीचर भारत का, है ना? ट्रेन, इस पेज को ही नहीं एडिट किया है। देखो इधर ओवरव्यू में लिखा हुआ है इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर, बहुत बढ़िया, ये लगता है। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करते थे। चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं ना, तो चैप्टर 1 का नाम तो मालूम ही होगा, रिसोर्स है। इधर बताया ही मैंने, ये रिसोर्स है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब की रिसोर्स होता क्या है, संसाधन के बारे में देखते हैं। जितने भी तुम्हारे काम की चीजें हैं, तुम्हारे आसपास जो भी काम की चीजें हैं वो रिसोर्सेज है। अरे, काम से आप क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे काम के आ सकते हैं वो सारे रिसोर्सेज हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक, वही ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं, वही रिसोर्स है। तो राहुल भैया तो हमें पढ़ाने के काम आते हैं, तो क्या राहुल भैया भी रिसोर्स है? अरे, बोल तो रहा हो कि जो भी तुम्हारे काम आ जाए वो सारे रिसोर्सेस। बोले, क्या पढ़ा रहे हैं आप, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? भैया रिसोर्स थोड़ी है, संसाधन है क्या? बोले, हाँ बिल्कुल संसाधन है। क्या क्या चीजें संसाधन में हो सकती? जो भी चीज, यहाँ पे अब पढ़ के बताता हूँ ना, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे पानी, जल, वाटर, है ना? वाटर कितने ने देखा है? वाटर मतलब कोई ऐसा जो मतलब अंतरिक्ष से टहल के आ गया हो आज, कि चलो आज इधर ही है ना विश्राम करते हैं, कोई वो ऐसा जो जल नहीं देखा हो, है ना? वाटर नहीं देख, ठीक बात, ठीक बात, सब देखो बड़ी वाटर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो बिजली। अरे, वो बिजली रानी वाली बिजली नहीं, इधर घर में जो जिससे बल्ब जलता है वो बिजली। हाँ, रिक्शा, रिक्शा देखे वो नहीं देखो? नया जनरेशन, जनरेशन जेड, मोबाइल से मतलब क्या बोलते हैं, आंखें बाहर ही नहीं आती, कुछ नहीं दिखता आजकल, सिर्फ स्क्रीन ही दिखता है। सब्जी है ना, क्या सब्जी तुम्हारे काम में आता है? जी बिल्कुल, खाने के काम में आता है। टेक्स्ट बुक जिसपे लिखते हो ना, वो भी तो तुम्हारे काम में आता है। जो भी चीजें तुम्हारे काम में आती है वो सारे क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स बोले तो संसाधन। अरे, बोल भी लिया करो, कतई कतई जहर हो रखे हो भाई एकदम। चलो, दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू,
सो दे हैव यूटिलिटी। अब क्या है ना कि जितने भी चीजें तुम यूज कर पाते हो, जिसका यूटिलिटी है, जो तुम्हारे काम में आ सकती है, वो, या तुम भी यदि किसी के काम में आ सकते हो, तो तुम भी क्या हो? संसाधन हो। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी मतलब उसका, यूजेबिलिटी मतलब उसका उपयोग, है ना? यदि है, सो वही चीज है जो उसको संसाधन बनाती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सबस्टांस अ रिसोर्स। ठीक बात। जैसे इन सब में से सारी चीजें यहाँ पे जो दिख रही हैं तुम्हारे सामने आसपास अगल बगल, जैसे ये बिजली का बल्ब है, ये आलू है, बालू से बिजली बन रही है ना, ये रिसोर्स है लिखा हुआ जिसपे, ये टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक भी तुम्हारा रिसोर्स है। ठीक है। ये पेन चार पांच पड़े हुए हैं, ये सामने लाइब्रेरी का वो खोला पड़ा हुआ है, आदमी पड़ा हुआ है, सारे रिसोर्स है, सारे रिसोर्स है। ठीक है। ठीक। अब देखते हैं कि कोई चीज कैसे रिसोर्स बनता है। अभी हम देखें कि उसका यूजेबिलिटी, यूटिलिटी होना चाहिए। ठीक है। अब हम देख रहे हैं दूसरे तरीके से कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं रिसोर्स बनने के। हाउ डू समथिंग बिकम अ रिसोर्स? सिंपल बात, रजुआ चाहता है, राजू नाउ वांटेड टू नो। क्यों राजू? हाँ, राजू चाहता है कि अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मतलब रिसोर्स वही बन सकता है जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो। वैल्यू मतलब किसी भी प्रकार का वैल्यू हो सकता है ना। अब हवा है तो उसका रुपया के हिसाब से तो वैल्यू नहीं है, जीरो है, पर नहीं जाएगा तुम्हारे अंदर तो 1 मिनट के अंदर तुम्हारे प्राण बाहर आ जाएंगे। ठीक है। सो हवा त्यागोगे तो प्राण त्यागोगे। सो इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। ठीक है। उसका कितना यूटिलिटी है, कितना यूज है, वो उसको वैल्यू प्रदान करता है। अब बोले हवा का तो कोई मोल नहीं है, पर तुम कोरोना में थे नहीं, तुम 2021 के बाद जन्म लिए, नहीं तो तुम्हें पता चलता कि उसका भी वैल्यू है। पैसा मतलब भाई साहब, एक सिलेंडर 1 लाख रुपए में दूंगा, लेने का है तो लो, नहीं तो आदमी को जो है ना प्राण का मोक्ष दिला दो उसे। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। माता जी बोलती हैं रजुआ से कि बेटा रजुआ, सारे रिसोर्स का वैल्यू हो गया है। ठीक है। तुम्हें मालूम ना मालूम से तुम्हें समझ में आ। तो अब देख लो, ये 3 लड़के हैं, इनका कोई वैल्यू घर में कुछ नहीं। माता जी आती है 2 चप्पल, पापा आते हैं 1 लट, बोला बेटा कोई वैल्यू नहीं। वही बेटा यदि आगे चल के डॉक्टर बन गया हो, टीचर बन गया हो, हाँ ठीक है, 2 रुपए का तो वैल्यू हो गया बेटा, है ना। तो इसलिए पहले वैल्यू को, कोर को जानो, फिर उसके कस्टमर बेस को जानो। जैसे तुम डॉक्टर बनने की इच्छा रख सकते हो, IIT बनने की इच्छा रख सकते हो, तो उसको कस्टमर बेस को जानो, फिर लक्ष्य को निर्धारित करो, एंड देन यू विल बिकम अ वैल्यूएबल मैन। मतलब तुम भी एक संसाधन बन सकते हो ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा भैया, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है कि उसका वर्थ कितना है, उसका रुपया में यदि डिमांड देखे तो कितना है, उसका यूजिबिलिटी में यदि डिमांड देखे तो कितना है। ठीक है। मैं ना में बोलते जाओ, पीछे दिखा दू, वक्त से करा दू, लो करा देता हूँ जी। ये है कक्षा 8 का चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन, और उसमें हम पढ़ रहे हैं रिसोर्स। रिसोर्स मतलब संसाधन। रिसोर्स को यूटिलिटी मतलब यूजिबिलिटी, मतलब कितना हम उसको यूज कर सकते हैं, या उसका यूजेबल वैल्यू कितना है। दूसरा उसका वैल्यू के ऊपर, है ना, उसी वैल्यू को हम आगे देख रहे हैं कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज का मान लो वैल्यू आप बता रहे हो, तो उसका क्या मतलब है, कितना वैल्यू है। ठीक है। देखते हैं किस किस टर्म्स में हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को पढ़ के अभी बता रहा हूँ। ठीक। बहुत बढ़िया प्रभु, आप पढ़ के नहीं भी बताते तो हम पढ़ लेते। हाँ, तो फिर आज तक पढ़ ही लिए होते, है ना, इधर इधर बोर्ड पे, है यहाँ देखो। बोले आप दिखते ही नहीं है, बोले हम ईश्वर है, सबको नहीं दिखते हैं, वो वही वाला स्थिति है। तुमने नहीं सुना क्या? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बोले नारायण मिल भी गया ना, तुम पहचान नहीं पाओगे, मैं मिल भी गया ना, तुम कौन, नहीं मालूम चलेगा कि मैं कौन हूँ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू लिखा हुआ। हाँ भाई जाओ, ठीक है, बिल्कुल शांति से सुनो। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू कह रहा है कि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिसका पैसा, इकोनॉमिक मतलब रुपया के रूप में वैल्यू है। सम डू नॉट, कुछ का नहीं है,
सामने दिख रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो सोना चांदी हीरा मोती लोहा ये सब देखते हो, उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है कि नहीं होता है? उसको कार बना दो तो इकोनॉमिक, मतलब मान लो कि 50,000 1 लाख का टीन था, टीन या अल्मीनियम था, उसको हमने कन्वर्ट करके कार बना दिया, 10 लाख का हो गया, 1 लाख वाला जो अल्मीनियम था या टीन था, है ना? तो वही मेटल के पास इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सुंदर जो दिखने वाला, यहाँ देखो डायमंड है, इसका इकोनॉमिक वैल्यू है, मेटल नहीं है, ठीक बात, पर इकोनॉमिक वैल्यू है कि नहीं है? पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कोई चीज, हो सकता है उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो, है ना? जैसे ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसमें से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मान लो दिमाग घूम गया है, अब दिमाग चक्रिया आ गया है तो इधर घूमने जाओगे, है ना? दिमाग चक्रिया है तो शांत करने के लिए कहीं तो जाओगे ना, इधर घूमने जाओगे। हवा, फेफड़ा में हवा कम हो गया तो उसको भरोगे ना फूक फूक के, तो वो तो वैल्यू का है ना, ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई तो कर रहा है ना, इम्पोर्टेंट है ना, यूटिलिटी है ना, इसका यूजिबिलिटी है ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, किसको नहीं समझ में आया, थोड़ा हाथ उठाना। नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए व्यवस्था है मेरे पास। फ्लिपकार्ट से 2 भैंस ऑर्डर किया हूँ अभी अभी के अभी, और एक अभी जाओ एक डंडा काट के ले आओ, और फिर आराम से 1 राउंड घुमा के आना एक दिन पूरे धूप में, फिर सारे समझ में आने लगेंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, ये कुछ कुछ टर्म्स हैं भाई, किताब पढ़ रहे हो तो कुछ तो याद करना पड़ेगा, तो क्या याद करना पड़ेगा? ये टर्म्स याद करना पड़ेगा। क्या इसका मतलब होता है? पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज पे तुम्हारा अधिकार होना, सिंपल बात है। और वो चीज जरूरी नहीं है कि फिजिकल चीज हो, जैसे रुको रुको हम तुमको बताते हैं, तुम्हारे पापा गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कार लेते हैं, घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, या जो भी बेचते हैं लेते हैं, तो वो लिखाता है तुम्हारे नाम से ना कि हमने ये से देखो साइकिल लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है ना, या भैंस लिया है, या गाय लिया है, बकरी लिया है, और ये रजिस्ट्रेशन है, उसके कान में छेद करो और उसपे वो आधार कार्ड लगा दो कि ये आज से गाय मेरा है, गाय नंबर 03 और डिस्ट्रिक्ट एरिया कोड के लिए BH, और फिर उसमें लोकेशन कोड के 11, मतलब 82 41 11 में 11, तो ये तुम्हारा एरिया कोड हो गया, इसके साथ गाय का आधार कार्ड बन गया, तो वो तुम्हारे पास है, तो वहां लिखा गया है कि ये गाय का नंबर तुम्हारे पास है या ये बकरी का नंबर तुम्हारे पास का है। वैसे ही तुम्हारे दिमाग में यदि कुछ चीज जनरेट हुई है, कोई आइडिया जनरेट हुआ है, मान लो तुमने एक दिमाग में आइडिया जनरेट किया कि सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रो, सोडियम क्लोराइड तुमको मालूम ही नहीं हो, तुमको बताता हूँ। मान लो कि तुमने एक आइडिया जनरेट किया कि पीपल के पत्ते को, है ना, और उसको उसमें नाली का 2 घूंट पानी डाल देने से यदि सांप काटेगा उस पे लगाएंगे तो ये ठीक होगा, ये तुम्हारा इन्वेंशन है, तुम्हारा आइडिया है, तुम्हारा खोज है या नहीं? मान लो तुमने ऐसा खोज किया है कि गाय का गोबर किसी के ऊपर लगा देने से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, तो ये तुम्हारा खोज है, जाहिर सी बात है यदि किसी ने नहीं किया है तो। तो इस आइडिया को ले जाकर के तुम कंज्यूमर ऑफिस में पेटेंट करवा सकते हो, क्या करवा सकते हो, लिखवा सकते हो कि ये आइडिया मेरा है, सिंपल बात, समझ में आया? जो आइडिया तुमने खोज के दिया है वो आइडिया तुम्हारा है, इसका पेटेंट करवा सकते हो। जैसे तुमने गाड़ी खरीद के लाया है, वो गाड़ी तुम्हारा है, इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट पे कैसा अधिकार होता है? पेटेंट पे एक्सक्लूसिव राइट होता है। बोलो, पेटेंट पे कैसा अधिकार होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है। फिर से बोलो, पेटेंट पर कैसा अधिकार होता है? एक्सक्लूसिव राइट होता है। और वो एक्सक्लूसिव राइट किस पे होता है? तुम्हारे आइडिया पे। आइडिया मतलब आइडिया का सीम मत लेके चलाना कि इस पे मेरा अधिकार है, ये लो मैंने 50 रुपया में खरीदा है, वो दिमाग वाला आइडिया की बात कर रहा हूँ ना, आइडिया और इन्वेंशन पे। जैसे रुको मैं बताता हूँ, तुम जो पढ़ते हो ना, ये अभी जहाँ पे पढ़ रहे हो, तो ये हमारा इन्वेंशन है कि हम किसी भी बच्चे को IIT नीट तक ले जा सकते हैं, क्रैक करवा सकते हैं। ले जाना तो मतलब कोई भी फी दे करके कहीं भी जा सकते हो, पर मतलब हम क्रैक करवा सकते हैं, ये हमारा आइडिया है। हम 6th क्लास के बच्चे को 9th क्लास का पढ़ा सकते हैं, है ना? तो वो 3 साल 4 साल बचाने का हमारे पास आइडिया है, ये मेरा आइडिया है, इन्वेंशन है।
अब ये यदि मेरा इन्वेंशन है तो इसको कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो कोई चुरा लेगा, कोई चुरा के बोलेगा कि नहीं मैंने भी खोज किया देख लो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी को एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया ने इन्वेंशन बोलते हैं। इतना समझ में आया? ये रटना पड़ेगा, मैंने रटवा दिया कि पेटेंट पर कैसा राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है। यदि तुम बोलना नहीं चाहते तो इसमें तुम्हारी गलती है बाबा, है ना। पेटेंट पे कैसा राइट होता है, जोर से बोल दो। बिल्कुल, अब वापस से देखते हैं, चैप्टर वन का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, चैप्टर वन में हमने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा यूटिलिटी, किसके बारे में? रिसोर्स के बारे में। उसके बाद उसका वैल्यू, वैल्यू को ही अभी देख रहे हैं। उसमें थोड़ा एक टर्म आ गया था, वो एनसीईआरटी के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में रहता है, ठीक है, उसके बारे में। अच्छा, वैल्यू जो होता है ना वो टाइम के साथ बदल भी सकता है, समय के साथ वैल्यू बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, अभी दिखाता हूँ। नीचे दो इमेज देखो, है ना, सेम लड़की किसी और के साथ है, उसका वैल्यू देखो कपार पर बैठी हुई है। सेम लड़की घर पे है, देखो गोबर थाप रही है, हाँ कि नहीं? वैल्यू बदल गया, बदला ना भाई। बिल्कुल ठीक, अब ये जो गोबर थाप रही है, यही गोबर यदि थाप के गांव में बेचा जाए तो ये एक गोझा का 1 रुपया 2 रुपया मिलेगा। यही गोबर को पैक करके फ्लिपकार्ट में बेचा जाए तो वही वही गोबर 100 रुपये में बिकेगा, ठीक बात। अभी एक उदाहरण बताता हूँ कि एक यूपीएससी की एस्पिरेंट रही थी कुछ दिन पहले, तो उनका यूपीएससी नहीं हुआ। उसने क्या किया कि गणेश चतुर्थी, गणेश जी का पूजा था ना, तो उसमें गोबर का वो बनाते हैं, कुछ बनाते हैं है ना, गोबर गणेश बनाते हैं। तो उसमें उसने क्या किया कि पूरा गोबर को पैक कर करके और बेचा। पता है उसने 6 करोड़ रुपए का बिजनेस कर दिया था 1 महीने में, तो वो उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। समय के साथ साथ, स्थान के साथ साथ वैल्यू बढ़ सकता है। अब मान लो कि जैसे तुम्हारे बीच में यदि प्राइम मिनिस्टर भी आके रहने लगे, तुम भी उसको उसी थर्ड क्लास व्यक्ति की तरह ट्रीट करो, पर वो वहां उस ऑफिस में बैठे हुए हैं तो इसलिए तुम उसका वैल्यू बढ़ते हो। तो अब इसको देखते हैं कि क्या है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ, शब्द बाय शब्द, एकदम लेटर बाय लेटर। सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, समय के साथ साथ कुछ चीजें आर्थिक रूप से, पैसा के रूप में वैल्यूएबल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपकी दादी माँ घर पे जो वो अचार चटनी बना के देती है, होम रेमेडीज बना के देती है, बोलती है बेटा पेट दुख रहा है क्या, ये लो नींबू लो, इसमें नमक डालो, थोड़ा चीनी डालो, थोड़ा वो आंवला का वो मिलाओ और उसको पी लो और 5 मिनट में पेट दर्द ठीक हो जाता है, मेरा तो हो ही जाता है। तो ये होम रेमेडीज है ना। जैसे क्या होता है ना कि एलर्जिक का ज्यादा समस्या है हमको, तो उसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शहद मिलाते हैं पानी में एक बूंद और उसको वो स्मेल करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क, है ना। तो वो उसका कमर्शियल वैल्यू भले नहीं है आज के दिन में, पर हो सकता है कि हमारी दादी माँ को अगले 2-4 साल में उसको ज्ञान आ जाए, फ्लिपकार्ट चलाने लगे और फिर उस ज्ञान को वो बेचना शुरू कर दे कि भैया हम डॉक्टर हैं, आओ तुम्हारा एलर्जी ठीक कर देते हैं, 500 रुपया फी लगेगा भाई ये वो व्यक्ति का। अब मान लो कि हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, दादी तो राजा हो जाएगी, इसीलिए दादी को हम बताते ही नहीं, तो दादी हमको तो देती नहीं है पैसा, फिर बताओ ही। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फॉर्म टूमोरो, मान लो कि दादी को आज हम इनको पेटेंट करवा दी कि उनका आइडिया है, पेटेंट अभी बताया, देखो यहाँ पेटेंट बताया, बताया कि उनका एक्सक्लूसिव राइट है ओवर एन आइडिया और या इन्वेंशन जो उन्होंने खोजा है। यदि वो चीज हम पेटेंट करवा दिए और वो जाकर के किसी फॉर्म को या मेडिकल फॉर्म को या दवाई बनाने वाले को बेच देती है कि इस तरीके से भी ये काम करता है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलो, ऐसा होता है किसी घर में? ठीक है, होता है तो अच्छा, ठीक। अब क्लास में बैठे हो ना भाई, या घर पे हो, जहाँ भी हो, यूट्यूब देख रहे हो या जहाँ से भी देख रहे हो इस वीडियो को, बताओ जरा कि घर में तुम्हारे आसपास कितने रिसोर्स है जो तुम्हें दिख रहा हो, है ना। क्या बुक रिसोर्स है, क्या किताब रिसोर्स है? बिल्कुल, टेलीविजन रिसोर्स है, टीवी। बिल्कुल, एक दो और पूछ ले। अरे सुन लो इधर, हाँ सुन सुन भी लिया करो भाई, सुन लिया, आराम से ही बोल ले, भड़कना नहीं, भड़क के भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे। सुनो,
फोन रिसोर्स है क्या हायाना में? अच्छा, ठीक बात ठीक बात, तब सब आ ही गया। तो चलो आगे, अब टेक्नोलॉजी भी क्या है ना कि काइंड ऑफ रिसोर्स ही है, जैसा कि हमने बताया। देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या है, क्या है ना कि टेक्नोलॉजी क्या होता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो स्किल है, जो जो हमने अक्वायर किया है, सीखा है या पढ़ा है, उसको अप्लाई करना, उसको अप्लाई करके कुछ चीज नया बनाना, अप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज और स्किल, नया चीज बनाने के तौर पे यदि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये है, इसको क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी किसी चीज को वैल्यूएबल बना देता है। जैसे तुम खुद से देख लो, यदि मैं एक व्यक्ति होता और तुम्हारे सामने पढ़ा रहा होता तो सिर्फ तुम सुन रहे होते, हाँ कि नहीं? पर अरे सुनो तो सुनो, मैं यदि एक व्यक्ति होता तुम्हारे सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा होता तो सिर्फ सामने से सुन रहे होते, जितने भी बैठे हैं, मान लो एक नहीं तो ज्यादा। पर अभी हम मेरे मेरे को एक साथ में ही बहुत सारे लोग अपने अपने डिवाइस में सुन सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मैं खड़ा होकर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से एक व्यक्ति इस बेंच पे बैठ के सुन रहा है, एक व्यक्ति इस बेंच पे बैठ के सुन रहा है, एक व्यक्ति इस बेंच पे बैठ के सुन रहा है, एक व्यक्ति इस बेंच पे बैठ के सुन रहा है। अब मान लो ये सबका अलग अलग घर है तो अलग अलग घर से भी सुन रहे हैं, हाँ कि नहीं? बाद में भी सुन सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग है ना, तो बाद में भी अवेलेबल होगा। तो इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना? दिमाग इस तरीके का होता है, ये दिमाग है तुम्हारा, मतलब है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग है, इस तरीके से काम करता है। नाउ चैप्टर को 30 मिनट में खत्म करना है ना? हाँ तो खत्म कर दूंगा, अभी बहुत कम ही बचे हैं, मतलब कितना पढ़ाया हूँ उसके 3 गुना बचा है, 22 मिनट में हुआ है। लेट अस सी। चलिए, तो हमने पहले बताया था कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सबस्टांस इनटू रिसोर्सेस, मतलब समय और ज्ञान, समय और नहीं बोलोगे ना, समय और ज्ञान दो चीजें हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो चीजें हैं, दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं जो किसी भी चीज को रिसोर्स में तब्दील कर सकते हैं। टाइम से तुमको समझ में नहीं आया, ये टाइम ही ना है, एक टाइम दूसरा टाइम, टाइम है ना। अब वो इसका उदाहरण बताया था कि टेक्नोलॉजी का उसने इस्तेमाल किया, फ्लिपकार्ट का यूज किया गोबर बेचने के लिए, और 1 महीने में मतलब 30 दिन में यूपीएससी छोड़ करके गोबर थापे और गोबर थाप करके उसको बेचे और 30 दिन में 6 करोड़। थैंक यू सो मच। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब जितने भी हमने ही बनाया टेक्नोलॉजी, सिंपल बात है, ये तो हमने ही ने बनाया है, इंसानों ने ही ने बनाया है, ये भगवान तो बना करके गए नहीं, बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें रिसोर्स बना सकती हैं, बोथ आर, तो मतलब टाइम भी और टेक्नोलॉजी भी रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक, लोगों के जरूरत के हिसाब से है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, आदमी भी एक रिसोर्स है, हम बोल रहे थे पहले ही, पीपल देमसेल्व आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, सिंपल बात, व्यक्ति भी संसाधन है। इट इज देयर आइडिया, ये व्यक्ति का ही आइडिया है, ये व्यक्ति का ही ज्ञान है, ये व्यक्ति का ही खोज है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, जो हमें लीड करता है क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस। हमने एक प्लास्टिक उठाया, एक टीन उठाया, उसे कार बना दिया, उसे बाइक बना दिया, नहीं तो पहले जैसे वो बैलगाड़ी पे बैठ, वही स्किल ही है ना, नॉलेज ही है कि बैलगाड़ी हमने बना दिया, हमारे संसाधन हो गए, वो आसान कर दिया। पर हमने और इस्तेमाल किया, कार बना दिया, जहाज बना दिया, बोले उड़ के जाऊंगा, जेट में बैठ के पीछे लटकते जाऊंगा, ये वीडियो है ना। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मेनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर, जब आग का खोज हुआ था, दैट लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वेल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड, चक्का का जो खोज था वो हमें नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी देखो पहले लकड़ी का चक्का बनाया गया, फिर लोहा का बनाया गया, अब लोहा लोहा में लग रहा था कि जर्क लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था, मान लो अब है ना बंगाल वाली के साथ घूमने गए आप और फिर पता चले कि भाई साहब नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, बोला दूसरा खरीद लो ना, ये काय के लिए रखे हो, इसमें तो चोट लगता है, बोला रुको आता हूँ बीएमडब्ल्यू खरीद लेती हूँ बेटो, नहीं फिर ट्रैक्टर में बैठा के ले जाऊंगा, है ना। लेट 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 अस
मेट दिस पॉइंट वेरी पॉसिबल है ना, कार्बन अल्टो नैनो है ना, ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट हो, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, इसको आसान बनाया जाए। ये हमारे इन्वेंशन है, आइडिया है, ज्ञान है, टेक्नोलॉजी ही था, टेक्नोलॉजी जो हमारा स्किल ही था, हमारा आइडिया ही था, जिसने क्या किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी में बदल दिया है ना। जो नदी से पानी बह रहा है सनम, उस पानी को हम आग बना देंगे, मतलब बिजली बना देंगे सनम, तो वो बिजली बनाने वाला काम भी हमारा इन्वेंशन ही है। ये टाइम और टेक्नोलॉजी का कमाल है, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। नाउ दिस इज आवर, अब ये हमारा इन्वेंशन है कि हमारे लिए कोई और मतलब लोहे का इंसान खड़ा होता है हमारे सारे काम करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, ठीक है ना। अब ये लोहे का ही है, इसमें आत्मा तो है नहीं कि मतलब हमसे बात करता है, बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम हमारी गर्लफ्रेंड बनोगे, बोले नहीं मतलब मैं गर्लफ्रेंड बन नहीं सकती ना, इसलिए नहीं बन सकती। बोले चांद पर चलोगे, ना ना इधर दूर है, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। शादी करोगे मेरे से, जाकर पूछना कभी मिटाए ऐसे। बोले ब्याह करोगे हमसे, बोले वो हमसे संभव नहीं है ना, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी मदद के लिए बने, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने ही बनाया है ना, पहले हमारे पास इंटेलिजेंस हुआ करता था, अब लोहे में डाल दो इंटेलिजेंस। तो इंसान का इंटेलिजेंस तो मतलब ठीक है, पर वो लोहे का भी इंटेलिजेंस हो। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, है ना। रिसोर्सेज इन सारे प्रकार से बनाए जा सकते हैं, वो या तो प्रकृति बोल लो, या मानव निर्मित बोल लो, या इंसान खुद भी रिसोर्स है। ये देख लो, ये प्रकृति रिसोर्स है कि नहीं, यहाँ से यहाँ मैच करा दो ऐसे ऐसे करके। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये देखो, ये जिससे ह्यूमन हाथ मिला रहा है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाइक वगैरह है ना। और ह्यूमन खुद रिसोर्स है, ये जो आदमी है ये भी रिसोर्स ही है। अभी दिखाता हूँ मैं कैसे। पहले ये देख लो कि कितने प्रकार के और रिसोर्सेज होते हैं। ये मेनली दो तीन प्रकार के जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक रिसोर्स, इसको यहाँ देख रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्स है ना, प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, इसको यहाँ देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्स। फिर इसके बाद देखेंगे ये रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, को नीचे जो। फिर ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, अभी लैपटॉप दिखाया था। और फिर ह्यूमन खुद रिसोर्स है, ये ह्यूमन खुद रिसोर्स है, गोबर थापने वाला बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है ना। सो ये ह्यूमन लगता है खतर, एकदम सटीक, बिल्कुल ठीक। तो ये नेचुरल रिसोर्स, अब नेचुरल मतलब क्या, प्रकृति, नेचुरल मतलब नेचर से जो मिला है, मतलब भगवान जो बना के लिए। एक बात होता ना, ये जो देख रहे हो तुम, ये भगवान बना के भेजे इसको, ये जो ढांचा बना करके, कवाड़ी बना करके भेजे हो जो तुम बनाए हो, ये भगवान बना के तो भेजे नहीं, भगवान तो ये बनाए थे है ना, पृथ्वी बनाया है, हवा पानी जल है ना, पर ये कवाड़ जो इधर दिख रहे हो जिसे हाथ मिला, ये तो तुम ही बनाए हो ना, तो ये है ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो तुम नहीं बनाए हो, जो पहले से बनाया हुआ है, वो है नेचुरल रिसोर्स, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, है ना। मान लो तुम्हारे पास टीन था, तो टीन क्या तुम बनाए थे? नहीं, तो वो है प्राकृतिक रिसोर्स। पर टीन से तुमने कार बना दिया, अब टीना कार बन गया, पल्टीना बन गया, टीना से पल्टीना बन गया, पल्टीना क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो इंसान बनाया है। तो कुछ उदाहरण तो होगा ना, जो भगवान बना के दिए है। लो ना, सुनो ना, हवा जो है वो इंसान ने बनाया है, बिल्कुल ठीक। अरे आप गलत बोल रहे हैं, नहीं नहीं ठीक ही बोल रहा हूँ, देखो हवा जो है इंसान ने बनाया है। अरे नहीं, फिर गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ना, भगवान बनाया है। हाँ, जैसे हम सांस लेते हैं, बिल्कुल ठीक। जल है ना, जल हमने पैदा किया था जमीन से, निकाला जमीन में, कौन डाला, तुम डाले है ना, जो नदी में है, लेक में है, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया पहला एयर, दूसरा वाटर, प्राकृतिक रिसोर्स है, सिंपल बात, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। हाँ जी, मिट्टी, मिट्टी किसने बनाया? तीसरा ये है मिट्टी, मिट्टी भी तो ईश्वर ने बना के भेजा, प्राकृतिक रिसोर्स है। मिनरल्स, खनिज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, हवा, पानी, चाहे वो लेक में हो, चाहे नदी में हो, मिट्टी,
मिनरल्स या फिर और भी चीजें जो डायरेक्टली हमें मिली है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हमने नहीं किया है, कोई बदलाव नहीं किया है, वो क्या है? प्राकृतिक रिसोर्स है. क्या है? नेचुरल रिसोर्स है. क्या है? प्राकृतिक रिसोर्स है. क्या है बोलो? अरे दही खा गया, मुंह जम गया है, बर्फ लगा गया, अभी ब्रश नहीं किया हूँ, अभी बोल नहीं सकता हूँ, है ना. मैंने संन्यास ले लिया है बोलने से, आज का मौन व्रत है मेरा मेरी पत्नी के लिए. मेनी ऑफ दीज, है ना, मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इन सब में से बहुत सारे जो संसाधन है वो हमारे हमारे प्रकृति से मुफ्त में मिले हुए हैं. क्या मिले हुए हैं भैया? मुफ्त में मिले हुए हैं ये संसाधन, ठीक है ना. और उसको हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं. जैसे हवा, हवा क्या हमें खरीदना पड़ा है? क्या रोशनी, लाइट हमें खरीदनी पड़ी है? नहीं, डायरेक्ट सूर्य आता है, रोशनी देता है, जाता है, उससे खाना बनता है, एंड सो ऑन. सो इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. आप कभी कभी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, हाँ कि ना, है ना. मान लो हमें हवा तो मिल गया है, पर उसमें से ऑक्सीजन निकालना है, किसी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है. फिर ये महाशय का इस्तेमाल आता है, ये महाशय आते हैं, फिर हमें बोलते हैं रुको हम हवा खींच के ऑक्सीजन निकाल के दूंगा तुम्हें, है ना. अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो लेक है, ये देखो पेड़ है, ये देखो हवा है, आंधी तूफान सारे इसमें दिख रहे हैं. अब रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं. नेचुरल जो प्राकृतिक रिसोर्स है वो दो प्रकार के हो सकते हैं. या तो रिन्यूएबल, मतलब उसको रिन्यू कर सकते हैं, मतलब नया कर सकते हैं, मतलब उसको बदल फेर बदल को, मतलब अभी खत्म हो गया वापस ला दो, खत्म हो गया वापस ला दो. जैसे हवा अंदर गया बाहर गया, अंदर गया बाहर गया, है ना. दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, लगता है मुझे खत्म कर देना चाहिए. नॉन रिन्यूएबल मतलब इसको नया नहीं कर सकते, क्योंकि आधा घंटा हो गया, आगे आगे देखेंगे, ठीक है. रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको नया कर सकते हैं, जैसे जल को नया कर सकते हैं, जंगल को नया कर सकते हैं, है ना. जिसका स्टॉक मान लो खत्म भी हो गया तो कोई समस्या नहीं है, नया कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको नया नहीं कर सकते हैं, एक बार खत्म तो खत्म. पेट्रोलियम जैसे तेल, ईंधन, कोल, खत्म तो खत्म, है ना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड. देखो प्राकृतिक रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है. खत्म करने के चक्कर में इतना स्पीड जाए, ठीक है ना, समझा सकते थे, बट ठीक है. समय पर निर्भर करता है. कोल बना है आज तो आज कोल नहीं बनेगा 300 साल, 345 मिलियन ईयर्स होगा, 345 मिलियन साल, मिलियन साल. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो मानव बनाते हैं, जैसे रोड, ब्रिज. ब्रिज तो भगवान बना के नहीं भेजे थे ना, तुम्हारे गांव में जो पुल बनाया है वो ईश्वर बनाया है क्या? जो तुम रोड पे चलते हो वो भगवान बनाया है? मशीनरी जिस साइकिल से, बाइक से तुम चलते हो, वो भगवान बनाया है? नहीं बनाया है. तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक. ये भगवान बना करके नहीं भेजा है, कबाड़ को, है ना, कबाड़ तुमने बनाया है. रोबोट, सॉरी, ह्यूमन भी रिसोर्स है. देखो ह्यूमन, ये ह्यूमन पता नहीं क्या कर रही है. लेट मी चेक दिस वन. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज एंड स्किल. ठीक बात. इसके पास ज्ञान है तो ये केमिस्ट्री के लैब में बैठी हुई है माता जी, कर क्या रही है, छोड़ो जो भी कर रही है, इग्नोर करो, ठीक है. तो ये ह्यूमन रिसोर्स है, खुद भी रिसोर्स हो सकता है इंसान. कैसे? ज्ञान से. किस तरीके से? स्किल से. स्किल बढ़ाओगे तो रिसोर्स महंगा हो जाएगा. स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस, अरे रिसोर्स को स्टॉक भी कर सकते हैं. ढेर सारा कोयला हो गया तो निकाल के घर में रख दो, स्टॉक हो, सिंपल बात. चावल ढेर सारा हो गया उसको घर में रख दो, हो गया स्टॉक. अब ये तुम्हारा काम है, होमवर्क है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस को मेंशन करो, जो स्टॉक को, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, ये सब तुम्हारा काम है, चेक कर लेना. ऐसे सस्टेनेबल रिसोर्स कंजर्वेशन बता देते हैं. रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब कि दिन भर बिजली का बॉल मिल गया है तो चला के नहीं रखने का, क्योंकि वो कहीं से कुछ जलता है, कोल जलता है तो वो बंद किया जाता है, ठीक है. और वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके से यूज करो किसी भी चीज को. इसका स्टेटमेंट रट ही लेना यहाँ से. बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये यहाँ से यहाँ तक रट लेना पूरा 20 बार, नहीं तो कहो मैं रटा दू अभी 10 मिनट, 20 बार करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए.
34-35 मिनट हो गया, 30 मिनट का हमें बोला गया था। औरंगाबाद बिहार में हमारा एरिया है, 82-41-11 लोकेशन, घोड़ा अम्बा बार, कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट के लिए, आईआईटी के लिए, जेई के लिए, क्लास 6 से 12 के लिए, नीट यूजी जेई के लिए। और ये पीडीएफ या तो इस पर मिल जाएगा या आप जहाँ पर भी ज्वाइन है वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 8920279357। ओहो कितना सुंदर है, oikosneet@gmail.com। ओहो क्या ईमेल है ना, सो इस पर ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप चाहे तो जब मन तब कॉल करें, टेक्स्ट करें, कोई समस्या नहीं है। यू आर फ्री टू कॉल एंड टेक्स्ट। थैंक यू सो मच, आपका ओइकोस में स्वागत है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो बोलिए, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।